आज मैं जिस चीज को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ ना, वो चीज मुझे मेरी दादी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो जब मैं उनसे पूछती थी ना कि ये क्या है, तो वो बोलते थे हरड़ का पानी है। तो हरड़ का पानी जो था वो उनको हेल्प करता था, क्योंकि उनकी मूवमेंट नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो हेल्प करता था कि अगर वो सारा दिन लेटे हुए हैं तो उनका डाइजेशन सही रहे, उनका गट सही रहे और उनका जो वेट है वो भी मैनेज रहे। यहां मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको हरड़ की टी। ठीक है जी, गर्मा गर्म हरड़ की टी। इसका कोई टेस्ट नहीं होता खराब, बिल्कुल है ये नॉर्मल टेस्ट है, हल्का सा 1% आप लगा लो कि गुड़कना लगती है। जो हरड़ होता है वो आपके गट में हेल्दी एंजाइम्स को बनाता है, मींस आपको गट का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दोनों होते हैं। दूसरा, ये आपके गट की एसिडिटी और गैस के लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो तीसरा ये है कि ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इवन ये आपकी किडनीज की हेल्थ को भी मेंटेन रखता है, डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जिन लोगों को एक्ने होते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं ये गर्म होगा या ठंडा होगा या क्या होगा, वो हरड़ का पानी या हरड़ की टी आराम से ले सकते हैं। एंड मोर ओवर, ये आपके हेल्दी हेयर, जो हेयर हमारा टेक्सचर अच्छा दिखता है ना, उसके लिए एंड आपकी स्किन के लिए, क्योंकि टॉक्सिन्स को रिमूव करता है तो अच्छे जो है जो फ्री रेडिकल्स है वो निकल जाते हैं एंड अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स अपना काम करते हैं, तो इसीलिए आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है।